हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो आज आप सोच रहे होंगे कि हर बार ये स्वीट में बैठता है, आज ये कुछ महंगा सा गाड़ी लग रहा है। सो आज मैं हूँ गाड़ी इनोवा हाई क्रॉस में। सो ये मेरे एक दोस्त है चंदन। सो आप इसको पहली बार देख रहे होंगे कि यहाँ जल्दी रहता नहीं है। सो ये आया हुआ है अभी अपने गाँव से यहाँ पे। सो मैं सोचा था इसके साथ भी एक ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि इसने नया गाड़ी लिया है इनोवा हाई क्रॉस। तो सोचा एक नया गाड़ी का एक नया, हो सके आपको एक नया अपनी तरफ से एक रिव्यू दे दूं। खास गाड़ी के बारे में मुझे इतना तो पता नहीं है जितना बाइक के बारे में पता है, तो सोच रहा हूं गाड़ी के बारे में कुछ आपको रिव्यू दे दूं जितना मुझे पता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर वगैरह, गाड़ी कैसा है, कितने में लिया है और इसका क्या स्पेसिफिकेशन है। कुछ खास ज्यादा तो पता नहीं, फिर भी जितना हो सके आपको इसके बारे में बताऊंगा। सोचा आज गाड़ी के ऊपर ही एक ब्लॉग बना लिया जाए। सो चलिए चलते हैं। और आप लोगों ने आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह गाड़ी का रिव्यू देता ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो ये गाड़ी बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है और ये अभी कुछ दिन, एक सप्ताह जितना ही हुआ है लेके आया हुआ, तो मैं सोचा इसमें आज आपको एक वीडियो बना के आपको दे ही दूं, आप तक पहुंचा ही दूं। सो इसी बहाने हमारे फ्रेंड चंदन से भी मीटअप हो गया बहुत दिनों के बाद, ये भी जल्दी यहाँ रहता नहीं है। सो ये तो गाड़ी ऐसा चलाता है कि कभी बताऊंगा, अगर कभी टाइम मिला तो आपका इसका ड्राइविंग दिखाऊंगा, इसका ड्राइविंग स्किल्स दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग स्किल्स है। क्योंकि अब हम लोग, यही अभी एक दो साल पहले की बात है, मतलब ये लॉकडाउन से पहले कि हम लोग गए हुए थे यही लाल किला घूमने के लिए, तो इसने रात को जो गाड़ी चलाया था, मतलब उस दिन तो अंत लेवल चलाया था। पहले इसके बाद गाड़ी था कौन सा था, वो सर्वोलेट का था ना, सर्वोलेट के भीड़ गाड़ी थे, उसमें इसने जो हमें नेक्स्ट लेवल इसने एंटरटेन किया था गाड़ी में, मतलब एक्सपीरियंस दिया था बहुत ही भयानक सा। सो चलिए मैं आपको आज इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। सो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो इंटीरियर इसका बहुत ही, क्या बोलते हैं, इसका प्रीमियम लग रहा है मेरे को। सो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, गाड़ी के बारे में, गाड़ी के थोड़ा सा रिव्यू देने से पहले आप लोग गाड़ी का थोड़ा सा सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए, तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में। तो गाइस, हम इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सो गाड़ी का सबसे पहला चीज आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम है और थोड़ा बहुत इधर मतलब गंदा लग रहा है, उसके माइंड मत कीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें बैठे थे तो उन्होंने जूता उता मार दिया, ठीक है। सो गाड़ी का सबसे पहले हमको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ, जो की मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये गाड़ी का अंदर का इंटीरियर है और काफी मतलब ठीक है, प्रीमियम है। और ये गाड़ी का बेस मॉडल है, जो की इसका प्राइस है आपको बताता हूँ एंड में। सो इसका ये पहला स्क्रीन डैशबोर्ड है और ये देखिए यहाँ पे जो ये गियर लीवर है, सो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, इसमें गियर लगाने की आपकी जरूरत ही नहीं है, लाइक स्कूटी टाइप बिल्कुल बैठो और सुट्टम सुट खींचते जाओ। और इसमें दूसरा बात ये है कि मतलब इसका जो बिल्कुल सिस्टम दिया है बिल्कुल तगड़ा ही दिया, बाकी कुछ खास पता तो है नहीं। और इसमें एक चीज और दिखा है, दिया ऊपर में, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले आप हैंडल में देखिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है, और इसका आगे का स्पीडोमीटर वगैरह कुछ इस तरीके का है इसका, ठीक है। और दूसरा हम गाड़ी के ऑनर से पूछते हैं आपको चलाने में। सो आपको चलाने में इसको कैसा फील होता है, मतलब जैसा आपको, मतलब जो नॉर्मल गियर चलाते हो और इससे मतलब वैसे ही नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में मतलब कैसा है ये? पहले से तो अच्छा ही है, नॉर्मल गाड़ी में आपको बार बार क्लच लगाना पड़ता है, सिर्फ गियर शिफ्ट करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ झंझट है नहीं, बस शिफ्ट कर दो एक बार और चलते रहो, बाकी सब ठीक ही है। बाकी सब ठीक है गाइस। और आपको एक चीज और, सो गाइस देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा, यहाँ हैंड रेस्ट हम लोग देते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा इसमें स्पेस भी है, ये मतलब समझ लीजिए इसमें एक बियर का बोतल पूरा आपका आ सकता है, बियर का बोतल एकदम चिल्ड करके इसमें पूरा रख सकते हो, बढ़िया कुछ भी सामान रख सकते हो। और दूसरा, इसका चार्जर पॉइंट बहुत जगह दिया हुआ है, इधर में भी दिया हुआ है चार्जर पॉइंट और इधर में भी दिया हुआ है, और पीछे भी दिखाते हैं आपको, पीछे में बहुत सारा चार्जर पॉइंट दिया हुआ है। और गाइस देखिए, ये एक चीज और यहाँ पे है कि आप रियर जो एसी है कूलर टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ रियर कूलर, ये ऑफ भी कर सकते हो ऐसे, ये लो में है और ये हाई में है, हाई में बहुत ही तेज होगा। और ये देखो इधर चार्जर का, इधर भी दिया हुआ चार्जर का, दो सॉकेट इधर भी है, चार्जर आप इधर आराम से चार्जर लगा सकते हो। कि भाई ये है गाड़ी, सिक्स सीटर गाड़ी है, इसमें अगर आप वैसे बैठना चाहो तो इसमें सात जने भी बैठ सकते हो। और जहां जहां मैंने ये है
सिक्स सीटर मतलब छह जगह आपका चार्जिंग पॉइंट का सिस्टम इसमें है, मतलब बहुत ही काफी एसी। और दूसरा ये देखिए एसी वगैरह इधर में है, यहाँ से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और मतलब ये जहाँ छह लोग हम लोग बैठेंगे छह लोग पूरा हर एक जगह है, मतलब कैसे कुछ दिक्कत भी नहीं होगा कि हाँ आगे से एसी चल रही है और पीछे तक एसी नहीं आ रहा। सो गाइस ये भी इसमें बहुत एक प्लस पॉइंट है। और कुछ खास मेरे को गाड़ी के तो उतना नॉलेज है नहीं, फिर भी आपको जितना बता सकता हूँ। और इधर गाइस एक ये है गाड़ी ऊपर का लाइट देखो, ये ऑन ऑफ है, सही है यहाँ पे। और आपको इसका बाहर से लुक दिखाता हूँ। और गाइस ये बाहर से कुछ ऐसा लुक आएगा आपको गाड़ी का। और ये अभी नया है इसमें नंबर प्लेट बिल्कुल है नहीं, बस में टेम्परेरी नंबर है। बाहर से कुछ ऐसा लुक है, मतलब बहुत ही प्रीमियम लुक है, बहुत सही है गाड़ी का लुक। और साइड से कुछ आपको ऐसा लगेगा, ये इनोवा हाईक्रॉस सिक्स सीटर है, कुछ ऐसा लुक है इसका आगे से। और पीछे से कुछ इसका ऐसा लुक है। और ये इनोवा हाईक्रॉस की यहाँ ब्रांडिंग है, ये देखो इनोवा हाईक्रॉस की ब्रांडिंग। सो ये पीछे यहाँ पे भी लगा हुआ है इनोवा हाईक्रॉस। और पीछे मतलब गाड़ी का ओवरऑल लुक बहुत ही जबरदस्त है। और ये देखिए टोयोटा की ब्रांडिंग आगे से हो रखी है, मैंने बहुत ही प्रीमियम तो गाड़ी है ही, बाकी अंदर बैठने में जो प्रीमियम फील होता है वो भी बहुत सही है। और गाइस ये गाड़ी की की है जिसमें टोयोटा की ब्रांडिंग हो रखी है। और इधर लॉक और ऑन मतलब है तो ज़बरदस्त है। ये कीलेस है ना, कीलेस है गाइस ये इसकी गाड़ी की, ये की है चाबी कीलेस। और गाइस ये देखो यहाँ पे भी एक LED लग रहा है। और ये ऑटोमेटिक है मिरर, मतलब अपने आप ही जो बटन दबाने से खुलता है। और अंदर का कुछ सिस्टम ऐसा दिया हुआ है ये देखो गाइस। और इधर पीछे का है ये बोनट खोलने का सिस्टम है, और इधर से पेट्रोल वाला है। और इसमें देखो क्लच लीवर गियर जो भी है इसमें सब यहीं पे है। और इसमें ये जो स्पीकर्स हैं गाइस, सबसे पहली बात ना जो इसमें स्पीकर्स लगे हैं वो JBL के लगे हैं, इसमें JBL का साउंड सिस्टम इसमें लगा है। और कुछ अंदर का ऐसा है, ये देख लो सिक्स सीटर गाड़ी है। ये देखो गाइस मतलब ठीक है सिस्टम, ये कुछ क्रोम टाइप का लग रहा है देखो इधर इधर। ये इतना एक्सपेंसिव गाड़ी आज मैं चला रहा हूँ, खैर इतना चलाना तो आता नहीं है, फिर भी जितना सीखा थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल सिस्टम है, तो एक बार चलाता हूँ गाड़ी को तो आपको दिखाते हैं चढ़ा के गाड़ी। ठीक है तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो बंद कर दीजिए। सो गाइस गाड़ी हो गई स्टार्ट, टाटा। ये मैं चला रहा हूँ देखो, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, क्लच गियर का कोई टेंशन नहीं। जैसे हम लोग पहले गाड़ी चलाते थे उसमें गियर शिफ्ट करो क्लच दबाओ तो लोग कन्फ्यूज जाता था, कभी कभी ध्यान ऐसे भटक जाता था। इसमें कुछ नहीं, खाली अपना DM मोड पे कर दिया और अपना मस्त चलता रहा। इसमें ये सिस्टम थोड़ा अच्छा दे दिया है, ठीक है। और ऐसा पर गाड़ी लंबी है, जब अगर हम लोग बैक वैक करना पड़ेगा तो गाड़ी में बड़ा इसमें थोड़ा सा झंझट होगा। बाकी बात सिस्टम सही है गाड़ी का अपना, आराम से कुछ गियर क्लच कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। और इसका हैंडल वगैरह भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा। हम थोड़ा आगे से घुमा के लेके आते हैं, चलो गाइस दिखाता हूँ आपको। सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, हाँ सीट बेल्ट। और गाइस सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, अभी मैंने सीट बेल्ट लगाया नहीं, अभी लगाता हूँ। तो गाइस मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, सीट बेल्ट लगा के जब भी हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाना चाहिए, कभी भी कुछ भी दुर्घटना कभी भी घट सकता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो गाइस सही है गाड़ी चलाने में, बहुत ही प्रीमियम सा फील हो रहा है, क्योंकि अपने तो प्रीमियम गाड़ी आज तक चलाया नहीं है, यही हमारा फर्स्ट प्रीमियम है। इससे पहले भाई का स्कॉर्पियो चलाया था, वो बहुत लगता था ट्रक में बैठा, इतना ऊंचा लगता था वो गाड़ी वाला। ये गाड़ी बहुत सही है वैसे। चलो गाइस हम भी जब सीख जाएंगे तो हम भी आप लोगों की कृपा से लेंगे एक गाड़ी बढ़िया से। सही है वैसे गाड़ी चलाने में यार, है ना मस्त एकदम, गियर वियर का कोई झंझट नहीं, बीच बीच में बंद बंद होने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा इसमें, खासकर नए लोगों के लिए। ये गियर शिफ्ट कर दो पार्किंग मोड पे, पार्क हो जाए बस बंद हो गया। मेरा गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, मेरे को तो खास पता नहीं, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस गाड़ी का गाइस प्राइस है मैक्सिमम 23 लाख, 23 लाख रुपए जितना है, तो इतने इसका गाड़ी का प्राइस है। तो अगर आप लोग लेते हो तो, अगर आपकी एक सिंगल फैमिली है छह लोगों का परिवार है तो आप लोग ले सकते हो गाड़ी।
और आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू। खैर मेरे को रिव्यू देना तो आता नहीं है, फिर भी जैसा बताया वैसा दे दिया, क्योंकि भाई का नया कार्ड ही है तो मैंने सोचा एक ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा। चलो कोई नहीं, सो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं यहाँ पे KFC में, एक अल्टीमेट ऑर्डर किया है। देखो मेरे साथ चंदन, इधर चंदन का तरफ से पार्टी है। KFC का इंटीरियर भी बहुत चेंज कर दिया, पहले से बहुत सही कर दिया। और ये चला जाएगा आज रात को वापस गाड़ी चलाते हुए बिहार दरभंगा जिला, वापस ये दरभंगा चला जाएगा। जब हम लोग नेपाल गए थे तो हम लोग दरभंगा होते हुए भी गए थे। सो वेट करते हैं अभी अल्टीमेट का, तब तक वेट करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला, पहले आप सोचो मुझे क्या गिफ्ट करना है। मैं भाई मैंने बोल यहां देख के रखा है, वो तो देख लेना। फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गया हूं और घूम लिए, उसका नया पे गाड़ी था थोड़ा बहुत चला लिया, देख लिया कैसा था गाड़ी, बहुत सही थी, जाने मजा आया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो थैंक यू सो मच आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।